रियल शब्दों में कहा जाए, मतलब पाइथन इन रियल वर्ल्ड क्या कहा जा सकता है, पाइथन क्या क्या कर सकता है, तो डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन को भी ये क्रिएट कर सकता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है, वेब फ्रेमवर्क एंड वेब एप्लीकेशंस को भी बना सकता है, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, वेब मतलब वेब पर सारे काम आप इसके जरिए कर सकते हो, गेमिंग एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, बड़े बड़े गेम आप बना सकते हैं इस पे, एक अच्छा खासा मोबाइल बेस्ड गेम हो, चाहे बहुत अच्छा GUI बेस्ड गेम हो, उसको भी आप पाइथन पर डेवलप कर सकते हो। ऑडियो वीडियो की एप्लीकेशंस भी आप बना सकते हो, जैसे मीडिया प्लेयर्स BLC, इस तरह के कई ऐसे सॉफ्टवेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर, इस तरह के प्लेयर्स भी आप इस पर डेवलप कर सकते हो ड्यू टू द पाइथन। साइंटिफिक एप्लीकेशन मतलब जैसे नासा वगैरह है, उसमें भी आप इस पर बहुत अच्छा काम कर सकते हो। जैसे एक तरह से देखो कि मंगल पर अगर आपको कोई चीजें भेजनी हो या मंगल से आपको कोई रिपोर्ट लेना हो, तो आप उस तरह का सॉफ्टवेयर पाइथन पर बना सकते हो। फेमस वेबसाइट बिल्ड यूजिंग पाइथन, बहुत सी फेमस ऐसी वेबसाइटें हैं जो रियल में पाइथन को ही सपोर्ट करती हैं और पाइथन पर ही बनती हैं, और जैसे कि फेसबुक, IBM, इंस्टाग्राम, गूगल, नेटफ्लिक्स, उबर, ड्रॉपबॉक्स, पिनइंटरेस्ट, इंस्टाकार्ट, रेडिट, स्पॉटिफाई एटसेट्रा, बहुत सी ऐसी ये जो वेबसाइटें हैं, यूट्यूब वगैरह, ये सारी वेबसाइटें पाइथन पर ही बनाई गई हैं और इसीलिए इतनी फ्लेक्सिबल, जैसे गूगल बहुत फ्लेक्सिबल है, यूट्यूब बहुत फ्लेक्सिबल है, क्यों? क्योंकि ये सारी वेबसाइटें किस पे बनाई गई है, पाइथन पर ही बनाई गई है। पाइथन इज अ मल्टी पैराडिगम लैंग्वेज। अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन कई तरह की लैंग्वेज पर काम करता है, उसके काम करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। जैसे कि इसके दो तरह की लैंग्वेज पर बेसिकली काम करता है, पहला इम्परेटिव पैराडिगम, दूसरा डिक्लेरेटिव पैराडिगम। इम्परेटिव पैराडिगम और डिक्लेरेटिव पैराडिगम क्या होता है, तो प्रोग्रामिंग पैराडिगम इज अ वे टू कैटेगराइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय देयर फीचर्स एंड प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनल लॉजिक बेस्ड ऑन कॉमन पैराडिगम। मतलब प्रोग्रामिंग पैराडिगम का मतलब ये होता है कि ये खाली एक रास्ता प्रोवाइड करता है कि कौन कौन से तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो हम लोग पाइथन में कितने तरीके से प्रोग्राम करने वाले हैं, दो तरीके से, एक इंपरेटिव, दूसरा डिक्लेरेटिव। इंपरेटिव में क्या करोगे आप, इंपरेटिव पैराडिगम में क्या होता है कि ये जो है आपको, जैसे आप स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग करते हो, स्टेप बाय स्टेप कोई अगर काम करते हैं, तो उस तरह की प्रोग्रामिंग किसमें कहलाती है, इंपरेटिव पैराडिगम में कहलाती है। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, ये किसमें आती है, इंपरेटिव प्रोग्रामिंग में आती है। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि जैसे आप किसी फंक्शन का इस्तेमाल करते हो, आपने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, उसी फंक्शन को आप रिकॉल कर रहे हो और बार बार उसका इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे आपने CSS पढ़ा है, और CSS में अगर आपने देखा होगा कि एक बार आपने बॉडी के अंदर कोड किया और उसको कहीं भी आप कॉल कर ले रहे हो बार बार, तो वो कॉलिंग का मतलब क्या होगा, मेहनत आपने एक बार किया और उसको यूज कई बार कर रहे हो, पूरे प्रोग्राम में कर रहे हो, तो उस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव पैराडिगम। ठीक है, तो पाइथन दोनों चीज को सपोर्ट करता है, इंपरेटिव को भी सपोर्ट करता है, यानी लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप भी काम करता है, और किसी फंक्शन को भी कॉल करने का पूरा काम करता है, या किसी अदर डेटाबेस या रिसोर्सेज को भी अपने पास ये कॉल कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेटिव पैराडिगम्स। टेक्निकल स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन, अगर हम लोग टेक्निकल स्ट्रेंथ की बात,